आधा बन गया था मगर आधा नहीं बन पाया, तो भैया ये कमलापुर तक बनेगा या यहीं तक बनेगा? कमलापुर तक जाएगा। अच्छा, ये तो मतलब बराबर हो रहा है लेवल जहाँ तक बनेगा या पूरा बनेगा लेवल? लेवल पूरा ही आ रहा है। अच्छा भैया, पेचिंग का, पेचिंग का काम चल रहा है। अच्छा पेचिंग का। दोस्तों हमें दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज, आपको दिखा रहा है खुदागंज कटरा का जो 6 किलोमीटर का टुकड़ा था जो बन रहा था, वो मतलब आज उसमें लोगों के चेहरे पर खुशी आ रही है, वो बनने जा रहा है। देखिए ये 6 किलोमीटर का टुकड़ा, अब इलेक्शन का टाइम आ गया मगर जो 5 सालों में नहीं बना था अब वो बन रहा है। देखिए मतलब एक क्या जगह जगह पर 6 किलोमीटर का जो टुकड़ा हो रहा था वही बन रहा है। और इधर देखिए कि मतलब काफी दूर से जो 6 किलोमीटर टुकड़ा है इस पे काफी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी मगर ये आज बन रहा है लगातार इस पे, क्योंकि 18 तारीख को शहर में शाहजहानपुर में मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं के में मतलब इधर बता रहा कि नवादा में योगी जी भी आएंगे उसी उपलक्ष्य में। इसमें काफी लोगों को दिक्कत होती थी तो ये टुकड़ा बन रहा है रोडों को, इसमें काम चल रहा है। देखिए ये इतना बन रहा है 2 इंच की, आप खुद ही देखें, क्योंकि बहुत दिन से इसमें काफी लोगों को दिक्कत होती थी। ये 6 किलोमीटर का टुकड़ा था जो उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर कस्बा खुदागंज में पड़ता था, मगर इसमें काफी प्रयास हुआ, काफी लोग परेशान थे। अभी एक यहाँ छोटी नहर पर पुलिया थी, वो रात में वहां पे 3 लोग बाइक से आ रहे थे, 2 लोग वो बाइक से बिल्कुल नीचे चल गए, पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। और इधर देखिए भैया, और दूर दूर तक देखिए काफी रोड मतलब बढ़िया काम हो रहा है मशीन से, पहले तो इसमें खाली हाथों से होता था, अब मशीन लग रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। और इधर देखिए जरा कुछ करिए, और भैया अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है भैया? देखिए भाई ये लोग कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहे, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? टेलर रहे तो यहाँ क्या काम कर रहे हो? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा गाड़ी भी चला रहे भैया, चला रहे गाड़ी। ये रोड जो इसमें काफी दिक्कत है, रोड बन रहा है तो आपको कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, गाड़ी चलाते बहुत बता रहे, बहुत फायदा होगा क्योंकि आए दिन इसमें कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रही थी, मगर अब रोड बन गया, आप लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। अब ये पता करना है 6 किलोमीटर में कि बराबर होता है लेवल होता है या खाली लेवल कर दिया जाएगा या कागजों में एक इसकी खाना पूर्ति दिखा दी जाएगी। अब ये जानना है मुझे कि आप लोगों को खुद ही बताएंगे 6 किलोमीटर का ये टुकड़ा था ये बना और कैसे बना, मतलब आए दिन बहुत परेशानी होती थी, इस पे काफी लोगों ने आवाज उठाई और इस पे सब जनता ने सहयोग दिया, मगर अब इलेक्शन आ रहा है, रैलियां हो रही हैं, इसलिए रोड बन रहा है क्योंकि विकास विकास तिराई माई लोग कर रहे थे इस पे। देखिए इधर देखिए दूर दूर ये 6 किलोमीटर के टुकड़े के लिए काफी लोगों को परेशानी हो रही थी, और इसमें एक पुलिया भी टूटी हुई है, वहां पे काफी दुर्घटना हो रही है। मुझे ये जानना है क्योंकि अभी तक ये नहीं बना 5 सालों में, अभी क्यों बन रहा है ये भी तो सवाल है, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है इसलिए बन रहा है। देखिए इधर और देखिए बढ़िया से काम हो रहा है, आप खुद ही देखिए ये मशीन से जो रोड बन रहा है। इधर दिखाइए आप जरा, इधर दिखाइए जरा कितना अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए 6 किलोमीटर का टुकड़ा कई सालों से खराब पड़ा था, टूटा आधा बन गया था मगर आधा नहीं बन पाया, तो भैया ये कमलापुर तक बनेगा या यहीं तक बनेगा? कमलापुर तक जाएगा। अच्छा ये तो मतलब बराबर हो रहा है लेवल जहां तक बनेगा या पूरा बनेगा लेवल? लेवल पूरा ही आ रहा है। अच्छा भैया पेचिंग का काम चल रहा है। अच्छा पेचिंग का काम चले, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी क्योंकि जो 6 किलोमीटर के टुकड़े लोग बहुत परेशान हो रहे थे भैया, बहुत परेशान हो रहे थे, इसमें काफी आवाज आई मगर बहुत अब लोगों के चेहरे पे सुबह मुस्कान आएगी जब रोड बने देखेंगे। काफी इधर देखिए आपने पुलिया देखी वो भी टूट गई थी, उसमें 3 लोग उसमें गाड़ी से उसमें घुस गए थे भैया, इसके बारे में मतलब ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये 6-7 दिन में पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा भैया बता रहे, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, लोग जानना है। अभिलाष गुप्ता जी। जी आपका पद कौन सा, आप ही देख सकते हैं? जी जी नहीं सुपरवाइजर हूँ भैया, यहाँ के सुपरवाइजर हैं, भैया की देख रेख में ये काम हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे आगे, देखिए बने रहिए वीडियो में। ये भैया जी सुपरवाइजर थे जो रोड बता रहे हैं, इसमें पेचिंग का काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा था है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और सुबह उठ के देखेंगे कि काफी अच्छा लगेगा। ये पेचिंग का काम चल रहा है, यहाँ 6 किलोमीटर के टुकड़े में काफी दिक्कत का सामना होना पड़ा था। देखिए आप इधर देखिए भाई, ड्राइवर साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, देखिए क्योंकि और देखिए काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है क्योंकि आए दिन लोग परेशान होते थे। बने रहिए वीडियो के एंड तक।
और देखिए दूसरी गाड़ी खड़ी है माल की भरी हुई, क्योंकि बहुत परेशान राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब लगता है उम्मीद है कि 6 किलोमीटर का टुकड़ा बन जाएगा, जो 5 सालों में नहीं बन पाए है वो इलेक्शन के टाइम पे बन रहा है। ये तो खुशी है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। देखिए रोड ऐसा था, नीचे दिखाइए, ऐसे बहुत ही परेशानी हो रही थी लोगों को। अब इसमें लेवल हो रही है, पेंचिंग हो रही, पेंचिंग का काम, क्योंकि जो लोग इंजीनियर हो गए, जो लोग सिविल होंगे वो जानते होंगे कि पेंचिंग क्या है। देखिए ऐसे गड्ढे थे इधर, देखिए अब ये आपको सुबह होते ही, मैं समझ का सुबह होते ही ये रोड बिल्कुल फ्रेश लगेगा, रातों रात में ये रोड तैयार हो जाएगा। अब देखिए भाई ये बढ़िया करके बता रहे थे जय साहब की, बढ़िया करके मैं बना रहा हूँ, मगर ये तो आप अब ये जब बनेगा, जब ये चलेगा, तब लोग इसे पता लगे कि इसमें माल बढ़िया लगा या घटिया लगा। आगे बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। देखिए ऐसे इसमें गड्ढे थे, दिखाइए इधर जरा, ऐसे रोड टूटा हुआ था। अब 18 दिसंबर शनिवार को, मतलब परसों मोदी जी आएंगे जो, इसी देखिए रोड ऐसे साफ होता है, बने रही रातों रात इसमें पेंचिंग होगी। देखिए रातों रात लोगों के चेहरे पर, देखिए भैया ऐसे इधर देखिए, ऐसे रोड की सफाई हो रही है और यहाँ पे ऐसे काम चल रहा है। अब इसके पीछे से मशीन आएगी और इसे लेबल करेगी और इस पे बढ़िया सा काम होगा रातों रात में। इसे कहते हैं डर। देखिए भैया इधर देखिए रोड कितनी सफाई होती है, इसे कहते हैं डर, क्योंकि जो 5 सालों में नहीं हुआ वो 6 किलोमीटर का टुकड़ा चंद दिनों में बनेगा, रातों रात में बनेगा। देखिए इधर इधर दिखा दीजिए, ठीक दोस्तों मैंने आपको ये रेट दिखाया क्योंकि ये 6 किलोमीटर के टुकड़े पर मैंने काफी वीडियो बनाई थी, लोगों ने मुझे घसीटा था, मगर आज मुझे पता है कि चुनाव आ रहा है इसलिए ये रोड बन रहा है, क्योंकि 5 सालों में नहीं बन पाया, अब जो 6 किलोमीटर का टुकड़ा बन रहा है, मगर इसमें पेंचिंग हो रही है। आप देखिए इस रोड ये बनेगा तो कितना चलेगा, आप लोगों को बताना है। दोस्तों जब मैंने वहाँ के जो सुपरवाइजर साहब से बात करी, तो यहाँ के जो मतलब जो लोग कार बाहर देख रहे हैं, जो अधिकारी बताया जा रहा था कि यहाँ एक अधिकारी साहब हैं, तो मैंने उनसे देखा तो, मगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, कि पता नहीं कोई ना कोई उन्हें डर सता रहा है कि बोलने के लिए, वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। तो बताओ मैं कि गाड़ी से बाहर नहीं निकले कुछ बोलते, मैं उनसे कुछ पूछता कि ये रोड कहाँ तक बनेगा, कि उन्होंने कहा उनके सुपरवाइजर की इस पर पेंचिंग लगेंगी, 5 सालों में अब इस पर पेंचिंग लगेंगी, रोड नहीं। दोस्तों बने रही वीडियो में।